बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, उसकी एक्सरसाइज है 13.2। तो वाइपर पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट कॉज इन टू साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 - x² होल स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन देखें, मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया है कि आपने सिर्फ उतना ही पोर्शन लेना जो इनवर्स वाला, कॉस को साथ नहीं लेंगे, सिर्फ इनवर्स वाला पोर्शन आप लेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये जो रहेगा इनवर्स खत्म, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, जिसको हम ले सकते हैं 1/x। अगर यहां पे हम राइट ट्राइंगल ड्रा करें तो आपको पता है कि जो आपके पास साइन है वो क्या है, a/c। तो a की वैल्यू आपके पास x है, सी की वैल्यू के पास क्या है 1। तो बी आप फाइंड करेंगे पैथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, b² = c² - a²। तो देखिए c की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, a क्या है x स्क्वायर। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √1 - x². तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 - x². अगर यहां से आप कॉस अल्फा निकालना चाहें तो कॉस क्या होता है, b/c, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है, 1 - x² और आपके पास सी की वैल्यू क्या है 1, क्या आप उसको ले सकते हैं 1 - x². तो वाई पर फोकस करें, इसको मैंने क्या बोला है अल्फा। तो हमारे पास ये क्या बन गया, कॉस अल्फा। कंसीडर कर लेंगे आप इसको, तो क्या बन गया, कॉस अल्फा। तो अब आप देखें कॉस अल्फा क्या होता है, b/c। दोबारा नोट करें, साइन वर्स एक्स को मैंने क्या बोला अल्फा, तो यहां अल्फा इसकी वैल्यू पुट कर दे अल्फा, तो क्या बन गया कॉस अल्फा। तो b/c, बी क्या है 1 - x², सी आपके पास क्या है 1, तो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 1 - x². तो देखें हमारे राइट हैंड साइड यही है। लास्ट पे क्या किया करें आप, कॉस अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दिया करें, अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 - x². देखिए हमने यही शो करना था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट साइन इन टू 2 cos inverse x इज इक्वल टू 2x into 1 - x² होल स्क्वायर रूट। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, सिर्फ बेटा आप उतना ही पोर्शन लेंगे जो इनवर्स वाला है, 2 भी साथ ही लेंगे। तो लेट cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, इनवर्स हो जाएगा, क्या बनेगा cos अल्फा इज इक्वल टू x/1। तो राइट ट्राइंगल ड्रा करें, अल्फा है तो आपके पास cos क्या होता है, b/c। तो देखिए b की वैल्यू आपके पास क्या है x, c की वैल्यू आपके पास क्या है 1, आपने क्या फाइंड करना है a। पैथागोरस थ्योरम क्या है, a² = c² - b² देखिए पैथागोरस थ्योरम होता है a² + b² = c². अगर हमने a² फाइंड करना है तो c² - b², अगर b² फाइंड करेंगे तो c² - a². तो c की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1, b क्या है x स्क्वायर। तो a हमारे पास आ जाएगा √1 - x² 1 - x². अगर मैं यहां साइन की वैल्यू निकालू, साइन अल्फा की, साइन अल्फा क्या होता है a/c, तो साइन अल्फा a की वैल्यू 1 - x², c की वैल्यू 1, तो हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा 1 - x². जरा फोकस वाइट पर हो, इसको मैंने क्या बोला है अल्फा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा साइन टू, इसको मैंने क्या लिखा अल्फा के बराबर, तो क्या आ गया sin 2 अल्फा। अगर आप गौर करें हमारे पास जो ट्राइंगल है वो अल्फा की है, यानी हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है और कॉस अल्फा की, तो हमारा काम है कि हम इसको चेंज करें अल्फा में। आपने पढ़ा था कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin α cos α, चैप्टर नंबर 10 में। तो इसको लिखें 2 sin α cos α, sin 2α 2 sin की वैल्यू 1 - √1 - x² cos अल्फा की वैल्यू x। तो क्या आ गया हमारे पास
साइन टू अल्फा टू एक्स इन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो लास्ट पे आप अल्फा की वैल्यू पुट करें टू एक्स इन टू वन माइनस एक्स के, लास्ट पे आप अल्फा की वैल्यू पुट कर देते टू आ गया अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। तो देखें हमने यही शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर कर लेंगे, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये जब टेंजेंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा टेंजेंट अल्फा, इनवर्स जाएगा तो क्या आ गया टेंजेंट अल्फा, इधर क्या बच गया माइनस एक्स, माइनस एक्स उधर मल्टीप्लाई करें एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट अल्फा। आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था या 9 सॉरी कि टेंजेंट के अगर एंगल के साथ नेगेटिव होगा तो वो मल्टीपल बन जाएगा, अगर मल्टीपल है तो वो किसके साथ चला जाएगा एंगल के साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूं जरा देखें, इसको माइनस टेंजेंट थीटा को या माइनस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट माइनस अल्फा, ये हो जाएगा क्या बन जाएगा इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो क्या करें आप, अब आप अल्फा की क्या वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करें माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था। इसी तरह अगर आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो वो भी नेगेटिव किया जाता है बाय मल्टीपल, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको तैयार किया करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, शो दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा था सिर्फ आप पोर्शन लिया था इनवर्स वाला, तो लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, दूसरी साइड पे जाएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, और आपको पता है कि कॉस की जो डोमेन थी प्रिंसिपल की वो जीरो से क्या थी पाई, इसको चेंज करें हमारे पास पाई, कंसीडर क्या है हमारे पास पाई माइनस, इसको मैंने क्या बोला है अल्फा, तो क्या आ गया अल्फा। मैंने बताया था कि आप देखा करें कि दूसरी साइड पे फंक्शन क्या है कॉस इनवर्स, तो आप क्या अप्लाई करेंगे कॉस, बेटा आप कॉस अप्लाई करेंगे जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा इनवर्स। आपने पढ़ा था कि पाई पे को रेशो चेंज नहीं होती, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, पाई माइनस अल्फा दूसरे में जो कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें कॉस अल्फा किसके बराबर है एक्स के, तो क्या हो गया माइनस एक्स, इसको बोले इक्वेशन नंबर वन, सामने बताएं फ्रॉम इक्वेशन वन, ये हो जाएगा क्या बन जाएगा इनवर्स, तो पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई लास्ट पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, क्या आ गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो देखिए मैंने यही साबित करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट टेंजेंट इन टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर होल स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका सोल्यूशन, मैं बार बार फिर बता रहा हूं आपको कि आपने सिर्फ उतने पोर्शन है जो इनवर्स वाला है, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, इनवर्स दूसरा ले जाएं एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं एक्स ओवर वन, आपको पता साइन किसकी रेशो है ए ओवर सी, ट्राइंगल ड्रा करें तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है एक्स, सी की वैल्यू क्या है वन, पैथागोरस थ्योरम बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर, तो सी स्केयर क्या है वन, वन का स्केयर वन, ए की वैल्यू क्या है एक्स, तो क्या आ गया एक्स स्केयर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर, तो बी हमारे पास आ गया वन स्केयर रूट वन माइनस एक्स। अब आप देखें इसको मैंने क्या बोला है अल्फा, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा, इसको मैंने क्या बोला था अल्फा, ये देखें तो क्या बन गया टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट क्या होता है
a ओवर b, टेंजेंट अल्फा a की वैल्यू x, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के। तो देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो लास्ट पे आप अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दिया करें। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो देखें एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ये इधर आगे क्या बन जाएगा, साइन, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। साइन क्या होता है, ए ओवर सी। ट्राइंगल ड्रा करें, एक्स है, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 2। तो पाइथागोरस रूल क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर क्या आ गया 3, b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3। देखिए हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन x, cos x, secant x, cosecant x, tangent x एंड cotangent। देखिए मैंने साइन की वैल्यू फाइंड की हुई है, साइन x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2, ये साइन की वैल्यू, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंट, कोसेकंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या आ जाएगी 2। तो कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस क्या होता है बी ओवर सी, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, सी की वैल्यू 2, कॉस का रेसिप्रोकल सेकंट, सेकंट एक्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। इस तरह अब टेंजेंट, टेंजेंट एक्स ए ओवर बी, एक वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास वैल्यू थी साइन, कॉस, सेकंट, कोसेकंट और टेंजेंट की।